और आज का क्लास जो है हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग नदीम। गुड इवनिंग। और बस थोड़ा वीडियो आ जाए, फिर उसके बाद रियल टाइम में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट हो ही जा रहा है, सभी लोगों का कनेक्शन आ गया होगा। ठीक है, तो कल वाले क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज फिर से एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो सेगमेंट है उसी को कवर करेंगे। और हाँ अर्चना, गुड इवनिंग। तो आज का क्लास जो है, हाँ अर्चना गुड इवनिंग। तो कल वाले क्लास में जहाँ हम लोग शेष रह गए थे उसी से आगे चलते हुए आज का ये पूरा क्लास कवर करेंगे। ठीक है, तो कल वाले क्लास में बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे, आज भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के ये पूरा जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है ये फैक्ट बेस्ड है, और जितने ज़्यादा फैक्ट आप लोग कवर करोगे उतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो है सही करने की संभावना ज़्यादा होती है। और मैं कम से कम फैक्ट लेकर आया हूँ और उसी तरह से इसको कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो था टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व, और कल के बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में हमने देखा था कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे इंडिया में, जिनमें से 11 यूनेस्को ने जो था वो शामिल कर लिया था। ठीक है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व को हमने मैप पे लोकेट भी किया था। यहाँ पे कल ये चूंकि मैप क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने इस पेज को दोबारा बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी चीजें हैं तो इनको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर आगे चीजें करेंगे। सबसे पहले भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे? तो ये जो नीचे का पार्ट देख रहे थे, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पार्ट था, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पार्ट था यहाँ पे, उसी नीलगिरी पहाड़ी के चारों तरफ था। यहाँ पे इसको इसलिए पढ़ना है कि देखो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। पहला चीज है लायन टेल्ड मकाऊ, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सिंह पुच्छ बंदर। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सिंह पुच्छ बंदर कहाँ पाया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, मतलब विलुप्त तो होने वाला है, और इसको यहाँ संरक्षित किया जा रहा है और ये तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो हाँ अंजलि गुड इवनिंग। सिंह पुच्छ बंदर क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जो ऊपर वाला पार्ट है उत्तराखंड वाला, जो हम इंडिया ऐसे बन देख रहे थे, तो यहाँ पे इंडिया के इस सेगमेंट में उत्तराखंड में नंदा देवी हमको दिख रहा था। नंदा देवी में जो ध्यान रखना है वो दो चीजें, स्नो लियोपॉल्ड मतलब हिम तेंदुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है। हिम तेंदुआ ये जैसे चीता होता है उसी प्रजाति का है जो कि यहाँ पाया जाता है, और एक हिमालयन ब्लैक बियर भालू, काला भालू जो हिमालय का है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिम तेंदुआ पे क्वेश्चन बना हुआ है। अगला मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का लोकेशन ध्यान कर लो कि जहाँ पे ये हमारा इंडिया का पार्ट मुड़ता है और जहाँ पे श्रीलंका है उसके ठीक बगल का ये पार्ट मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और यहाँ पे जो एक खास जानवर है मेन तमिलनाडु में है, ये है ड्यूगोंग। इसका स्पेलिंग हिंदी में इसको पढ़ते हैं ड्यूगोंग। अब देखो ये लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, तो जब प्रीवियस ईयर का पेपर अभी सॉल्व करवाएंगे अगले घंटे में तो देखना ड्यूगोंग पे 4 से 5 क्वेश्चन बने हुए हैं कि ड्यूगोंग कहाँ पाया जाता है, किस तरह का जानवर होता है। फोटो मैं इस बार इस क्लास में नहीं लाया हूँ, अगले क्लास में जब अभी तो एक्चुअली टाइम ही बहुत कम है, 4 घंटे में पूरा एनवायरनमेंट खत्म करना है, तो उतना पॉसिबल नहीं था कि सारे जानवरों का फोटो दिखा देता। ये जो डुगोंग होता है ध्यान रखना है, ये डुगोंग शाकाहारी होता है, शाकाहारी जानवर है, मछली नहीं है ये, जानवर है, और दूसरा जानवर है।
ठीक है। और दूसरी बात इसके साथ आती है कि ये जो डुगोंग है, उस डुगोंग का सबसे बड़ा जो लक्षण कहा जाता है, इसको समुद्री गाय कहा जाता है, सागरीय गाय, सी काउ इसी को कहा जाता है। एकदम इसके पैर नहीं होते, अगला पैर नहीं होता है, वो फण जैसे पंख टाइप का होता है, वही होता है ड्यूगोंग। तो ड्यूगोंग पे क्वेश्चन पहले भी बना है, कहाँ पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, और गल्फ ऑफ मन्नार भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आओ रेड पांडा, लाल पांडा, लाल पांडा जो हम पढ़ रहे थे, लाल पांडा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब ये बहुत कम पाया जाता है पूरी दुनिया में। भालू की एक प्रजाति होती है, और अगर इसको देखें तो मेघालय का जो नोकरेक है वहाँ पे ये लाल पांडा थोड़ी बहुत आबादी में पाया जाता है, और इसको संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल काम हो रहा है। बाकी सुंदरबन के बारे में सबको पता है, सुंदरबन जो था वो पश्चिम बंगाल के डेल्टाई रीजन में था, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। तो जानवरों पे भी थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन जानवर से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आज तो क्लियर हो रहा है सबको, आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, जो 18 में से अब आते हैं मानस। जो मानस है वो हमारे जो हम देखते हैं आसाम का रीजन, जो आसाम वाला रीजन कुछ इस तरह से इंडिया के पार्ट को देख रहे थे कल, तो इस तरह से ये जो सेगमेंट आ रहा था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला, यहाँ पे आपको मानस दिखाई पड़ रहा है। मानस, मानस जो है वो डिस्ट्रिक्ट भूल जाओ कहाँ पे है, इतना डिस्ट्रिक्ट में यूपीएससी जब करेंगे तब ये सब डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है कि कोकराझार बोंगाईगांव में पाया जाता है। मानस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है मानस में, देखो यहाँ पे एक जानवर दिख रहा है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग ये जो है वास्तव में एक हिरन की प्रजाति होती है जो चूहे के साइज का होता है। ये पिग्मी हॉग ध्यान रखना बहुत ही रेयर है। पिग्मी हॉग बहुत ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड जानवर होता है। एक हिरन है, एक हिरन डियर की प्रजाति है जिसका आकार चूहे के साइज का होता है, मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा वाला हिरन होगा, उसका फोटो देखोगे तो अपने समझ में आ जाएगा। पिग्मी हॉग केवल नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। पिग्मी हॉग पे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है, मानस से याद रखना इसको। दूसरा गोल्डन लंगूर, सुनहरा लंगूर जिसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सुनहरा लंगूर कहाँ पाया जाता है, आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये जो एशियाटिक एलिफेंट, मतलब हाथी तो पाया ही जाता है, मानस में ही थोड़ा बहुत जो है वो एक सिंह वाला भी गेंडा आएगा, दूसरी जगह पाया जाएगा, ये सब भी वहां पे पाए जाते हैं। चल अब आते हैं सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल वाला जो रेंज था वो अगर दिमाग में ध्यान करें तो यहाँ पे जहाँ पे चिल्का झील है उससे थोड़ा सा ऊपर के पार्ट में सिमलीपाल था, और सिमलीपाल से ब्रह्मणी और बैतरणी नदी बहती है, उड़ीसा वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बंगाल टाइगर, और ये गौर, गौर जो है वो वास्तव में जंगली भैंसा टाइप का एक जानवर होता है। ये इंडेंजर्ड वगैरह नहीं है, ये बहुत पाया जाता है, बाइसन है, एलिफेंट भी पाया जाता है, तो बहुत ज्यादा है नहीं। दिहांग देवांग जो अरुणाचल प्रदेश का था, ये अरुणाचल प्रदेश का दिहांग देवांग, यहाँ पे मस्क डियर पाए जाते हैं। मस्क डियर जो होता है वो कस्तूरी मृग वाला डियर है, वो ध्यान रखना है कि यहाँ भी पाया जाता है। अब आओ इससे क्वेश्चन आया था फ्लाइंग स्क्वायरल, मतलब उरन गिलहरी। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, क्वेश्चन बनेगा उरन गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो उरन गिलहरी वास्तव में ये उड़ती नहीं है बल्कि ये जंप मारती है, बहुत दूर तक जंप मारती है। और ये उरन गिलहरी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उरन गिलहरी। जीवीआई जो जो नाम मैं लिख रहा हूँ हिंदी में वो समझ लेना कि क्वेश्चन है, आज ना कल पीछे आया ही हुआ है।
अमरकंटक अगला है, अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में है। यहाँ पे जो है इतना ज्यादा यहाँ पे एक वल्चर है, वल्चर है व्हाइट रंप्ड वल्चर, तो थोड़ा बहुत वो गिद्धों के लिए इसको ध्यान रख लो, नहीं तो इसमें ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, रन ऑफ कच्छ। ये पूछा गया है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाला है। यहाँ अभी पिछले बार ही UPPCS ने पूछा था कि ये कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा। जंगली गधा यूपी ने एक खास कारण से इसको जंगली गधा वाला क्वेश्चन पूछा था। जब मोदी जी आए थे आपका प्रचार करने, तो उस समय कुछ ऐसी बात हुई थी तो अखिलेश ने उस समय कह दिया था, कुछ गधे वधे का जिक्र कर दिया, तो उस समय ये बात आई कि भाई ये जंगली गधा गुजरात से आया है, तो मोदी साहब ने उसको फिर पॉजिटिव लिया कि गधा सारा काम कर सकता है। तो याद रखना है जंगली गधा गुजरात में पाया जाता है, और गुजरात में इंडिया का जो ये कच्छ वाला पार्ट निकला हुआ है ऐसे, इसी पूरे पार्ट में इस गधे का जो कच्छ का ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ये पूरा यहाँ पे पाया जाता, पूरा नमक का चादर बिछा हुआ है। अगला कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल, ये भी पिछली बार आरओ या पीसीएस में आया है, ये हिमालय वाला, और यहाँ पे भी स्नो लियोपॉल्ड मतलब हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ बिल्ली की प्रजाति का है, बहुत रेयर होता है, जिस प्रजाति में तेंदुआ आता है उसी प्रजाति का है, दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन संख्या कम हो रही है। हाँ, लेकिन यह है कि ये हिम तेंदुआ जो है शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अगस्थस मलाई में एक खास है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर जो है एक हिरण की ही प्रजाति है, वो अगस्थस मलाई में पाई जाती है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये ध्यान रखना, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से यही साल्ट वाटर मगरमच्छ जो है, मतलब खारे पानी का मगरमच्छ। दो मगरमच्छ होते हैं, खारे पानी का मगर, एक होता है मगरमच्छ और एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल, तो घड़ियाल और मगर में अंतर है। मगरमच्छ जो होता है इसका मुंह जो होता है वो ज्यादा चौड़ा इस तरह से होता है, और जो घड़ियाल होगा उसका मुंह पतला होता है, कुछ ऐसे निकला हुआ होता है, तो दोनों के मुंह में अंतर। घड़ियाल जो है आमतौर पर छोटी मछलियां खाता है, मगरमच्छ जो है वो छोटी मछलियां क्या, वो तो हाथी भी खा जाता है, लड़ाई कर लेता है, तो मगरमच्छ ज्यादा खतरनाक है। इस मगरमच्छ में भी जो खारे पानी का मगरमच्छ होता है इसका आकार बहुत बड़ा होता है, आकार इसका लगभग 10 से 12 मीटर तक का भी हो सकता है, 10 से 12 मीटर, तो समझो कि 3.5 फीट का 1 मीटर होता है, लगभग 35 फीट लंबा मगरमच्छ होता है, और उस मगरमच्छ से तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, अगर गलती से अगर वो भूखा रहे और आदमी वगैरह पहुंच जाए तो समस्या आ जाएगी। चलो अगला है डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा हम देख रहे थे आसाम में, डिब्रूगढ़ वाला जो पार्ट था वहाँ पे, यहाँ पे जो ध्यान रखना है ये कैप्ड लंगूर, ये टोपी वाला जो लंगूर है ये इसके लिए ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। बाकी पन्ना में चीतल, चिंकारा, सांभर सब जगह पाया जाता है मध्य प्रदेश वाला, और इसके बाद जो सेसा चलम्स वगैरह है उसका बस नाम ध्यान रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब उससे निकलते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो। अब उसके बाद अगला फिर से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, और वो है नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत के जो भी नेशनल पार्क हैं उन पे विचार करना है, इनको देखना है। देखो नेशनल पार्क, अभी तो हम लोग बायोस्फीयर पर है, अब नेशनल पार्क देखते हैं कि ये जो नेशनल पार्क हैं इनको भारत सरकार द्वारा, भारतीय राज्य सरकार द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब इसका हिंदी होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसको मान्यता दी जाती है, और ये विधि के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। कल भी इस पे चर्चा चल रही थी। ठीक है, भारत का और एक और खास बात है कि ये जो पूरा नेशनल पार्क हमारा है ये IUCN के
के कैटेगरी टू का पार्ट होता है, उसके अंतर्गत में ये उसको संरक्षित किया गया है, उसको मान्यता दी जाती है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट, ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हो कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो था हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था, ये नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में लगाया गया था 1936 में। उस समय वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया और वो नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो आज जो जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट, वही पुराना हेली नेशनल पार्क था और यही भारत का पहला नेशनल पार्क था। अब तक लगभग 105 नेशनल पार्क घोषित किए जा चुके हैं, जो भारत के लगभग 2% एरिया को कवर करता है। मतलब भारत ने जो है बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। खास बात ये देखो कि भारत में दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है, आबादी इतनी ज़्यादा है, फिर भी भारत ने इस आबादी के साथ में ही, और भारत की जो टोटल अगर दुनिया की बात करें तो लगभग 2.4% जो है ग्लोब का एरिया भारत के पास है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो पूरी दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, लेकिन आबादी 17% रखता है। फिर भी इसमें इसने क्या किया है कि ऐसे पार्कों को संरक्षित किया है, और आज स्थिति यह है कि भारत दुनिया के टॉप 10 जैव विविधता वाले देशों में पहुंचा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, लगभग 8% जैव विविधता पूरी दुनिया की भारत में पाई जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब आओ इसी में नेशनल पार्क में चलते हैं कि नेशनल पार्क में इसके बाद जो ध्यान रखने वाला विषय है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आज कहाँ है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब जो करंट में एक और घोषित किया गया है, इसके बाद स्थिति ये बनी है कि टोटल 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि अब सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एकदम मेमोराइज करके रखना है। अगला एक और इसके बाद एक सेगमेंट देखो, हिंदी इंग्लिश से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, कमेंट कर सकते हो कि सर हिंदी में ही करवाओ। तो हमको एक्चुअली क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का अगर हम करें, हिंदी और इंग्लिश का अगर हम देखते हैं तो हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे ये है कि एक्चुअली ये बायलिंगुअल वैसे भी होता है, और जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो तो वहाँ हिंदी का कोई खास मतलब आपको रहेगा नहीं, क्योंकि ऐसे वर्ड हम शुरू से ही देख रहे हैं जिनका हिंदी में अजीब अजीब सा मतलब निकलता है। ठीक है, तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में हिंदी का अपना एक रोल है, लेकिन यहाँ पे अगर बायलिंगुअल पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में, चूंकि ये मेंस का सब्जेक्ट है, कम है, इसमें एक क्वेश्चन मुश्किल से आ गया, तो इसको ध्यान रखना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं सर हिंदी ज़्यादा बढ़िया है। अंडमान निकोबार दूसरा वो ऐसा जगह है जहाँ पे जो है आपका ये नेशनल पार्क, 9 नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है और वो है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, जो उधर बहराइच और लखीमपुर खीरी वाला है। अभी करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का भी, तो केवल एक ही नेशनल पार्क। जहां तक बात रही सुधा प्रणाम, तो जहां तक बात रही सबसे बड़े और सबसे छोटे नेशनल पार्क की, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो भारत का है इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो है हेमिस नेशनल पार्क। आज वो लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना, यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ, हेमिस नेशनल पार्क ये जो है लद्दाख में है। लद्दाख आज अपने आप में एक अलग सा यूनियन टेरिटरी हो चुका है, यूटी है, और भारत का एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन जहां तक सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात है तो वो है बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार का बटन नेशनल पार्क। दो है, साउथ बटन और नॉर्थ बटन, और साउथ बटन मतलब कि दक्षिणी बटन नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। याद रखने के लिए हम लोग ध्यान रख लें कि भाई शर्ट पैंट में जो बटन होता है, कपड़े में जो बटन होता है, वैसे ही बहुत छोटा होता है,
तो ये बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है और हेमिस सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। पहला नेशनल पार्क जो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखना, इसे बार बार आते हैं। अब आओगे यहाँ पे कुछ जो नेशनल पार्क हैं, कुछ नहीं, मैंने तो सारा ले लिया है, लेकिन आपको अब सारे नेशनल पार्क को थोड़ा सा उसको देखना पड़ जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ, उसमें क्या खास है और किस तरह का नेशनल पार्क हमको देखना है। तो देखो 105 में से 105 यादवाद नहीं होता है, आपको कुछ मेन मेन आई जो है बता देंगे, उसी को आपको रटना है, ठीक है। तो इसमें आप दो काम कर सकते हो, एक तो वीडियो को पाउज करके रोक के आप देख सकते हो, या फिर उसको नोट कर सकते हो, तो दोनों काम है। इंडिया के मैप पे भी इसको बनाया जा सकता है सारी चीज़ों को, तो इंडिया का मैप भी ठीक है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन कम आ पाता है, ठीक है। तो इंडिया के मैप पे ये जो पूरा लिस्ट है पहले पेज का, ये अंडमान निकोबार का है, इसमें सारे अंडमान निकोबार के हैं, हमको पता है अंडमान निकोबार में टोटल 9 नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। महात्मा गांधी, देखो इस तरह के नाम आए तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क ये आपका अंडमान निकोबार में, ध्यान रखना। हमने साउथ बटन, अगले पेज पे होगा साउथ बटन, तो एक नॉर्थ बटन भी है, मिडिल बटन भी है, और नॉर्थ बटन भी है, साउथ बटन भी होता है, तो साउथ बटन भी वहां पे है, अगले पेज पे आ जाएगा। तो सबसे छोटा साउथ बटन याद रखना है। उसके बाद रानी झांसी, ये भी याद रखो, रानी झांसी का नाम सुनते ही हम लोग जो है सीधा सीधा मध्य प्रदेश लगा लेंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि ये अंडमान निकोबार में। तो महात्मा गांधी याद रख लो और रानी झांसी, बाकी किसी को नहीं याद रखना है, बटन याद रखना है साउथ बटन, अभी आएगा वो, ठीक है, बाकी सैडल पिक वगैरह से तुक्का लग जाएगा। ये है ऊपर वाला साउथ बटन, और साउथ बटन में ये सबसे छोटा, देखो इसका एरिया 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब इतना छोटा, मुश्किल से किलोमीटर का 300 मीटर में है ये, कुल मिला के 300 मीटर में का एरिया कितना बड़ा होता है, 300 स्क्वायर मीटर वाला अगर कहें तो कुल मिला के 2 BHK का मकान होगा। तो एक छोटा आइलैंड है, और वही आइलैंड जो है वो सबसे छोटा भारत का ये जो है वो आपका नेशनल पार्क है। और यहाँ फिर से आपको ये डुगोंग, जिसके बारे में बताएं कि इसको कहा जाता है समुद्री गाय, वो पाई जाती है, बाकी छोड़ दो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यही, तो ये ध्यान रखना है। ब्लू वेल भी यहाँ पे पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा वेल है। अब इसके बाद कुछ आंध्र प्रदेश और असम वगैरह के दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें भी देखो, अब राजीव गांधी, जिसका कि नाम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी है, फिर से राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश वाला, ध्यान रखना है। उसके बाद जो नीचे ध्यान रखना है, नामदफा अरुणाचल वाला, अरुणाचल प्रदेश का, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सिखोवा के बारे में हम लोग कल भी देख रहे थे कि डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क भी है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये है आसाम में, ठीक है। कांजीरंगा फिर से यहीं पे आ गए, कांजीरंगा यहाँ असम वाला, और कांजीरंगा जो आसाम वाला है, कांजीरंगा जो राइनो, देखो इंडियन राइनोसोरस, मतलब एक सिंह वाला गेंडा, जो एक सिंह वाला, ऐसे भी पूछ देता है कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, मैच द लिस्ट में एक तरफ लिस्ट 1 दे देगा और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे देगा, और इधर दे देगा जानवर और इधर दे देगा नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क में कौन सा पाया जाता है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना है, एक सिंह वाला गेंडा। एक बार यूपीएससी ने पूछा कि भारतीय गेंडा और अफ्रीका के गेंडा में क्या अंतर होता है, तो भारतीय जो एक सिंह वाला गेंडा होता है, ये साइज में छोटा होता है, इसका एक ही सिंह होता है और सिंह वास्तव में बालों का बना हुआ होता है, जबकि अफ्रीकन गेंडे की बात करते हैं तो अफ्रीकन गेंडे का साइज बहुत बड़ा होता है और उसके दो सिंह होते हैं, एक ऊपर ऐसे बना हुआ है जैसे हिमालय का पहाड़ बनाते हैं, तो ऐसे उसका दो सिंह निकला हुआ होता है और फिर ऐसे मुंह वगैरह बना हुआ होता है कुछ ऐसे।
तो उसके दो सिंह होते हैं और भारत वाले के एक ही सिंह होते हैं, तो ये कुछ अंतर है। और साथ में क्या है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी ध्यान रखना। फिर मानस, मानस उसके पीछे ये वाला, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद नमेरी और औरंग याद रखना है। बिहार में भी केवल एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ वगैरह की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ और बाकी जो स्टेट है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूछा गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको डायग्राम पे भी बना सकते थे लेकिन डायग्राम में ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब आओ जो ध्यान रखना है, गिर, गिर नेशनल पार्क। तो गिर ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, हमेशा न्यूज में आता रहता है। यूपी के लिए अगर आप कर रहे हो तो गिर जरूर देख के जाओ। यहाँ पे जो ये वाला सेगमेंट है, यहाँ पे ये नल सरोवर और नारायण सरोवर का जो सेगमेंट है, वहाँ पे गिर नेशनल पार्क पाया जाता है। एक ही जगह है जहाँ पे एशियाटिक लाइन, मतलब लायन और टाइगर में अंतर होता है। लायन का मतलब हुआ शेर, और शेर के पीठ पर धारी नहीं होता है, जबकि टाइगर की बात करते हैं तो होता है बाघ, और बाघ के शरीर पर धारी धारी बना हुआ होता है, तो दोनों में अंतर है। ये शेर वाला है, ध्यान रखना। मैराइन नेशनल पार्क गुजरात का है, बहुत बड़ा, 162 है। और ये मैराइन जो है ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं पार्ट, गल्फ ऑफ कच्छ वाला, ये वाला सेक्शन है मैराइन वाला। कच्छ नीचे वाले को कहते हैं खंभात, और उसका एक दूसरा भी नाम है कैंपे की खाड़ी। तो कैंपे और खंभात ये है, कच्छ वाला यहाँ पे है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। अभी मैराइन नेशनल पार्क के बारे में पीछे क्वेश्चन भी आया था कि मैराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है, लोगों ने गलत कर दिया, सीधा सीधा तमिलनाडु पे पहुंच गए और यहाँ वाले मैराइन नेशनल पार्क को आइडेंटिफाई कर दिया, जबकि हम पीछे पढ़े हैं कि इसका नाम कुछ और है, अभी आएगा भी, इसका नाम दूसरा है। तो मैराइन नेशनल पार्क गुजरात का है, ठीक है। अब जो हरियाणा का है, तो हरियाणा ने एक, यही सुल्तानपुर बार बार पूछा गया है, और ये कालेसर वाले सर नहीं पूछे जाते हैं, सुल्तानपुर का पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो तीनों चारों हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आप खुद ही देखो, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पूछा गया है, पिन वैली का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पे खासकर ग्रेट हिमालय वाला ध्यान रखना है। अब हम जम्मू कश्मीर से कुछ रिलेटेड हैं, एक है डाचीगांव, डाचीगांव नेशनल पार्क। अब जम्मू कश्मीर का नया डायग्राम अगर आता है तो उसमें भी ये इधर वाला जो सेक्शन है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का है, और ये यहाँ पे डाचीगांव पड़ता है। डाचीगांव में कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, जो वास्तव में, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हंगुल, ये एक मृग की प्रजाति होती है, हिरण का प्रजाति होता है, और इस हिरण के नाभि में पाया जाता है वो कस्तूरी, तो इसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। और यही कस्तूरी मृग जो है जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु था, राष्ट्रीय पशु इसको बनाए थे, कश्मीरी स्टैग को। डाचीगांव नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है। और खास बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर में भी, हम लोग लिखेंगे भी, 1970 में ही एक पहली परियोजना जो बनाई थी, प्रोजेक्ट हंगुल, ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट हंगुल जो था, हंगुल या जो हंगुल हिंदी में लिख सकते हैं, भारत की पहली परियोजना थी जो जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई। और ये जो शुरू किया गया वो भारत सरकार ने नहीं शुरू किया था, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य और बाकी जो WWF था, वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन, उसने शुरू किया था, ठीक है। दूसरा सलीम अली जो थे पक्षी विज्ञानी थे, और इनका भी बड़ा फेमस योगदान था। सलीम अली अभ्यारण्य भी कई बार क्वेश्चन आया है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद आओ झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला, पलामू जिले में है ये, और इसमें भी
टाइगर तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे टाइगर अब मर गया है, एक भी टाइगर नहीं पाया जाता है। हाँ, हाथी वगैरह बेतला में खूब पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे कर्नाटका के हैं सारे। कर्नाटका में याद रखना है बन्नेरघट्टा में तितली उतली भी पाया जाता है। तितली जो बटरफ्लाई है, और तितली, हाँ तितली जो है वो तितली बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। बाकी ये कुछ एलिफेंट वगैरह, सांभर डियर, टाइगर वगैरह भी पाए जाते हैं, बन्नेरघट्टा से आया है। बांदीपुर भी ध्यान रखना है, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा, ठीक है। उसके बाद केरला में जो ध्यान रखो वो अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कोई खास नहीं है, ये सब ऐसे ही है, इनको ध्यान नहीं रखना है। सोला वाला वन याद रखना, क्योंकि वहां पे सोला वन पाए जाते हैं। साइलेंट वैली पूछा गया क्वेश्चन है, साइलेंट वैली शांत घाटी अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, कहाँ है शांत घाटी, कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये केरल वाला सेक्शन हो जाता है अन्नामलाई हिल्स के आसपास, और यहाँ पे जो है आपको जो हाथी वगैरह हैं और फ्लाइंग स्क्वायरल वो भी है, तो ये सारा फेमस हो जाता है। हेमिस के बारे में हमने देखा, हेमिस जो था लद्दाख वाला, और इसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा भारत का बड़ा वाला ये पार्ट है, हेमिस नेशनल पार्क। फिर अब सारे मध्य प्रदेश में आप काउंट करोगे तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क आज के डेट में हैं। बांधवगढ़, कान्हा, कूनो नया बना है, कूनो देखो 2018 में कूनो आया है, तो ये सब नया है। माधव, मांडला, पन्ना, पेंच एक्चुअली मध्य प्रदेश और उसके सीमा पर पड़ता है, संजय और सतपुरा, वन बिहार यहाँ पर। तो ये पूरा ऊपर से 10 नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसमें सबसे खास है ये पेंच वाला, जो पंचमढ़ी वाला सेक्शन है। तो रूडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी थी जंगल बुक, जो कि मोगली जिसका कैरेक्टर है, तो वो मोगली कैरेक्टर इसी पंचमढ़ी में लिखा गया कैरेक्टर था, उन्होंने अपने लिखा है। उसके बाद महाराष्ट्र का है चंदौली, और ये सारा ध्यान नहीं रखना है, जो बताऊंगा वही ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं याद होगा। हाँ, अब आओ सबसे खास, कैबुल लाम जाओ, बहुत खास है ये कैबुल लाम जाओ। अब तक जो है 10 से अधिक बार पूछा जा चुका है कैबुल लाम जाओ कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो है वो पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। कहाँ पे ये बना हुआ है, कल भी इसकी चर्चा हो रही थी। ये जो लोकटक झील था उसी लोकटक झील में ये कैबुल लाम जाओ बना हुआ है, ध्यान रखना है इसको। अगर इसमें थोड़ी सी भी दुविधा हुई तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो याद रखना है, नोकरेक फिर से, नोकरेक को भी बहुत ध्यान से याद रखना है। नोकरेक मेघालय वाला बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक और कैबुल लाम जाओ अगर लोकेशन वाइज देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको, अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है नोकरेक मेघालय वाला, और दूसरा यहाँ पे दिखाई पड़ता है ये लोकटक झील और इसी में कैबुल लाम जाओ। तो दोनों को ध्यान रखना है, नोकरेक को और इसको, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब आओ अगला, भीतरकनिका, कल भी चर्चा कर रहे थे उड़ीसा वाला भीतरकनिका, मैंग्रोव है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब कि वो सबसे खतरनाक वाला मगरमच्छ भी पाया जा रहा है। यहाँ पे एक खास चीज पाया जा रहा है, ओलिव रिडले टर्टल। ये टर्टल जो आपका ज्योग्राफी का क्लास हुआ, टर्टल मतलब कछुआ, ये कछुआ जो था वो आप देख रहे थे कि एक और नदी थी रूसी कुलिया नदी के तट पर भी ये कछुआ पाया गया। तो कुल मिला के ये टर्टल भारत में उड़ीसा के आसपास पाया जाता है, भीतरकनिका इसके लिए प्रसिद्ध है। और भीतरकनिका मेनली साल्ट वाटर, ये जो मगरमच्छ है उसके लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो वहीं पे
भितरकनिका के नीचे आप देखते हैं तो सिमलीपाल, कल सिमलीपाल के बारे में भी देख रहे थे, तो वहाँ भी कुल मिला के यही सब चीज़ें आती हैं उड़ीसा वाला। डिजर्ट नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान वाला, जो पूरा मरुस्थल का क्षेत्र है उसको डिजर्ट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये जो है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये छोटी चिड़िया होती है जो पाई जाती है, आप लोग हम लोगों के घर वर पे पहले आती थी, तो उसके लिए ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। एक चिड़िया है, ये छोटी चिड़िया होती है, और अभी क्या हुआ, छोटी चिड़िया है ये, और ये जो चिड़िया है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब कि अब इसकी आबादी बहुत कम बच गई है, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में इसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कुछ लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। तो जब क्वारंटाइन में रखा गया तो उसमें से कुछ लोग गए और उनको भूख लगा, मांस मछली खाने का मन हुआ तो इसी को मार के खा गए थे, तो फिर उनको बाद में सजा भी दी गई। तो ये बहुत प्रसिद्ध है डिजर्ट नेशनल पार्क और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला लेते हैं केवला देव घाना। केवला देव घाना ये भी राजस्थान के भरतपुर में आया था, और इसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा कर लिए हैं। रणथंभौर, रणथंभौर का भी ध्यान रखना है, राजस्थान के भरतपुर जिले में था ये रणथंभौर, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ये एक टाइगर रिजर्व है। सरिस्का भी टाइगर रिजर्व है, जो कि अलवर में, अलवर में है। सरिस्का भी राजस्थान में है, सरिस्का, और ये अलवर जिले में है। जिला भी कई बार राजस्थान दीजिएगा तो पूछ देता है, वैसे भी तो यूपी देना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चल इसको जितना हाईलाइट करवाए हैं उतना कम से कम जरूर देखना, क्योंकि उतना तो तैयार होना ही चाहिए मिनिमम, अगर उससे कम तैयार है तो फिर नहीं हो पाएगा, ये वाला सेक्शन छूट जाएगा, एक दो क्वेश्चन इसमें गलत होंगे। फिर सिक्किम का जो एक ये कंचनजंगा है, उसका अजीब सा नाम है, कंचनजंगा का हेरिटेज साइट भी है। हेरिटेज साइट में खास बात यह है कि ये मिश्रित प्रकृति का हेरिटेज साइट है। अब आओ तमिलनाडु का सेक्शन है ये पूरा, तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इसी की बात कर रहा था कि जब भी मैराइन नेशनल पार्क पूछता है तो लोगों का ध्यान सीधा सीधा गल्फ ऑफ मन्नार वाले मैराइन नेशनल पार्क पर जाता है। लेकिन हमारे पास मैराइन में, मतलब सागरीय भाग में, अगर खाली मैराइन नेशनल पार्क कहे, मैराइन ऐसे ही इसका हिंदी में भी नाम लिखते हैं मैरीन नेशनल पार्क या मैराइन नेशनल पार्क, तो वो गुजरात में है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला अगर लगा दिया तब तमिलनाडु आएगा, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में इतना नहीं देखना है, बाकी जो है मुडुमलाई ये सब, इंदिरा गांधी सब छोड़ सकते हो। यहाँ पे तेलंगाना में एक जो नाम दिख रहा है भगवान महावीर, ये जो महावीर वाला है, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, ये तेलंगाना का ध्यान रखना, अभी तेलंगाना का, तो ये एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भगवान महावीर के नाम पे दो नेशनल पार्क मिलता है, एक यहाँ पे और एक गोवा में है, तो गोवा में नेशनल पार्क नहीं है, वो छोटा वाला पार्क है, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी है। फिर आते हैं यहाँ पे एक क्लाउडेड लियोपार्ड दिख रहा है, त्रिपुरा का ध्यान रखना, क्लाउडेड चित्तीदार चित्तेंदुआ का पार्क है, वो नाम से ही स्पष्ट। दुधवा, दुधवा लखीमपुर खीरी बहराइच जिले में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, दूसरा कोई नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे भी बाघ पाए जाते हैं, हॉग डियर, ये जो हॉग डियर होता है ये भी छोटे साइज का, ये भी बहुत छोटे साइज का एक हिरण की प्रजाति होती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में चार पांच दिख रहे हैं, उत्तराखंड में जो ध्यान रखना है ये वैली ऑफ फ्लावर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, फूलों की घाटी इसको हिंदी में कहते हैं, फूलों की घाटी, ये कई बार क्वेश्चन बना है फूलों की घाटी, और इस घाटी में ही जो हम लोग लक्ष्मण जी को बचाने वाला जो पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी को वो बूटी ला के दिए थे संजीवनी बूटी, वो सब इसी यहीं वगैरह में पाया जाता है, और इतना ये बढ़िया है कि इसको कहा जाता है देवताओं ने बनाया है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो है वो हम देख रहे थे कि
भारत का पहला नेशनल पार्क था जो 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। तो ये दो तीन याद रखना। बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क अब आते हैं पश्चिम बंगाल वाला। यहाँ पे पहले डायग्राम बना दूं फिर समझ में आएगा बुक्सा है कहाँ पे। ये जो आप देखते हो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, तो बुक्सा इसी अलीपुर द्वार के आसपास पड़ता है ऊपर में। वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है नीचे तक, लेकिन नीचे वाले सेक्शन में नहीं है, ऊपर वाले सेक्शन में। बुक्सा नेशनल पार्क के बारे में मैच द लिस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से रखना है। लोग इसको कई बार आसाम समझ लेते हैं उस डायग्राम पे। फिर गोरुमारा, और गोरुमारा भी यहीं पे पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे राइनोसोरस वगैरह भी पाए जा रहे हैं, तो गोरुमारा भी ध्यान रखना है। आगे बस इतना ही है, नेशनल पार्क खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले सेक्शन पे पढ़ते हैं। गोरुमारा, जालदापारा, जालदापारा भी उसी लोकेशन पे है। तो ये जो लोकेशन था अलीपुर द्वार वाला जिसको चिकन नेक कहा जाता है, इसी चिकन नेक के पास में गोरुमारा भी पड़ता है, और जालदापारा और बुक्सा तीनों पड़ता है। बाकी सुंदरबन याद रख लेना है हम लोगों को, वेस्ट बंगाल का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क थे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इससे ज़्यादा नेशनल पार्क हम लोग जितने भी आइडेंटिफाई करवाए हैं उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि एक तो ये तो वीडियो रहेगा ही, जो जो टिक करवाए हैं उसको आप एक बार ऐसे लिस्ट बना लो, एक तरफ पार्क कर लो और दूसरा तरफ कर लो राज्य, और एक तरफ हाथ से पहले लिख लेना, फिर एक बार ढक देना इसको, और फिर ढक के याद करने का कोशिश करना कितना याद हो रहा है। अभी अगले क्लास में जैसे इसके बाद होगा, तो अभी टेस्ट भी होगा एक आधे घंटे का, जो प्रीवियस ईयर के आरओ के जितने पेपर आए हैं सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आओ उसी से आगे बढ़ते हैं। छोटा सा है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था, ये इसी नेशनल पार्क वगैरह से जुड़ा हुआ अगला डेवलपमेंट आता है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जितने भी काम हुए हैं, 1972 का जो स्टॉकहोम समिट था उसके बाद से ये सारा काम शुरू हुआ है। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो ये पहला राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास था। वहीं ओवरऑल ये दूसरा प्रयास था, द्वितीय संरक्षण कार्यक्रम था, क्योंकि इसके पहले ही 1970 में जैसा पीछे चर्चा किए थे कि कश्मीरी हंगुल, कश्मीरी स्टैग पे एक प्रोजेक्ट हंगुल जो था वो चल चुका था। तो कश्मीरी हंगुल पहला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो आया ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ है, 1973 में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया है। अब देखो इसको टाइमलाइन अगर इसका देखें तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है वहाँ इंदिरा गांधी जाती हैं, और उसके ठीक बाद अगले ही साल जो है हम लोग इस तरह के काम शुरू कर देते हैं, और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो आया है, हाँ निधि अब बहुत लेट हो गई, वीडियो को पीछे पाउच करके देख लेना, और अब चूंकि एक एक घंटे का दो क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम को या तो टाइम मैनेज कर लो या फिर वीडियो जब आ जाएगा फिर उसको कर लेना। अब जो ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसमें एक आदमी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कैलाश सांखला। इसका नाम हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि दिमाग में बना रहे, कैलाश सांखला, कलर चेंज कर देते हैं, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो थे इनका नाम याद रखना, कैलाश सांखला। ये जो कैलाश सांखला थे, कैलाश सांखला इस प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर थे, और ये भारत में जो टाइगर के प्रोटेक्शन का इतना बड़ा काम सब हुआ है उसमें इनका बड़ा ही योगदान था। इनको भारत का टाइगर मैन कहा जाता था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता था, ठीक है। अभी जो है भारत में टोटल टाइगर रिजर्व हैं वो 50 हैं, ध्यान में इतना नहीं रखना है,
जो भी तुम जो भी आप देखते हो लोकेशन वाइज, तो जहाँ भी आपको लगे कि नहीं टाइगर हो सकता है, जैसे सुंदरवन है, जैसे सिमलीपाल है, जैसे पलामू था, जैसे मध्य प्रदेश के लगभग सारे हैं, कर्नाटक में बनेरघाट, रणथंभौर वगैरह, तो बहुत सारे हैं। लगभग सारे में प्रोजेक्ट टाइगर चल ही रहा है, 50 बहुत होते हैं। सोही नेशनल पार्क है तो आधे में तो चल ही रहे होंगे। टाइगर जहाँ नहीं पाया जाएगा वहाँ पे आप अपने से भी लगा सकते हो, या तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई कहे कि मैराइन नेशनल पार्क में टाइगर होगा कि नहीं होगा, तो वो तुक्का भी लगा सकते हैं कि नहीं भाई, मैराइन में तो टाइगर हो ही नहीं सकता है। तो टोटल टाइगर जो है भारत में अभी आएगा 2897 के आसपास, 3,000 टाइगर हैं अभी। ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को। इससे पहले मैंने एक डे के बारे में बताया, वर्ल्ड वीटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस दिवस ये कब मनाया जाता है, आप कमेंट करो कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। तब तक मैं आगे इसका समझाता हूं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप लोग बताओ कमेंट करके। अब आते हैं यहां पे आगे कि भारत में अभी हाल ही में 2018 की जो आपके टाइगर का पॉपुलेशन था उसकी गणना हुई है, और उसका रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। कोई बता नहीं रहा है, 2 फरवरी, हाँ निधि बहुत सही, वेरी गुड। 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को ही रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब नदीम 22 जुलाई नहीं, 2 फरवरी, कल ही के क्लास में हुआ है ये 2 फरवरी। 22 जुलाई कुछ और है, वो जैव विविधता वगैरह का दिन है, यही कल इस डेट का भी देंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं कि अभी जो है ये 29 जुलाई को ही, जो 29 जुलाई का डेट है, 29 जुलाई को ही अभी जो हमारे मंत्री साहब हैं उन्होंने एक नया टाइगर पॉपुलेशन जारी किया है जो इससे रिलेटेड हुई है। तो इससे ये संख्या याद रखना, यूपी में क्या करता है कि एग्जैक्ट नंबर पूछ देता है, 2967 सीधा पूछ देगा। यूपी के साथ सबसे खराब बात ये है कि वो सीधा क्वेश्चन पूछता है, डेट या नंबर पूछेगा। तो अभी जो भारत में टोटल टाइगर की संख्या है, बाघों की संख्या 2967, मतलब अगर हम कहें कि 3,000 में से ये कितना कम है, उल्टा भी अगर याद रख लो तो 32 कम है, 33, 3,000 में 33 कम है, मतलब 2967, 3,000 में 33 कम, उल्टा याद रख लो ज्यादा बढ़िया याद होगा। तो 3,000 के आसपास टाइगर हैं, और इस टाइगर की संख्या जो सबसे ज्यादा है वो आज जो है वो मध्य प्रदेश में है, 526 टाइगर पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। दुनिया के हिसाब से अगर बात करें, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, ये भी देख लेना, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। एमकेयू, एमकेयू का कोड अगर बना लें, एमकेयूके, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट याद रखो। बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे टाइगर की संख्या नहीं पाई जाती है। झारखंड वगैरह में टाइगर जो थे वो पलामू में नाम लिखता है, लेकिन पलामू से खत्म हो चुके हैं, टाइगर झारखंड में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार में भी टाइगर नहीं पाए जाते हैं, वो ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो पूरी दुनिया का आज जो स्थिति है, लगभग 70% टाइगर केवल इंडिया में ही पाया जाता है। पूरी दुनिया का 70% टाइगर इंडिया में ही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत शेरों का एक प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित हुआ है। भारत के बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये करेंट से भी रिलेटेड है, कि भारत के बाद जो दूसरी स्थिति बनती है वो रसिया की बनती है, रूस की। रूस में भी जो है वो टाइगर हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में हैं, 473 जो है वो बचे हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि भारत में टाइगर जिंदा है,
तो टाइगर अभी जिंदा है और ये बढ़ ही रहा है, आबादी इसकी बढ़ रही है। ये पेज करंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। आगे आओ, यहाँ पे ये जो बना हुआ सेक्शन है, पेज है, ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी है, उत्तर प्रदेश के अभयारण्यों को थोड़ा सा लिस्ट करके लाए हैं। मैप बहुत क्लियर नहीं है लेकिन भारत सरकार का देखो नीचे लिखा हुआ होगा, हो सकता है फोटो में नहीं आ रहा होगा, ये भारत सरकार का वन्य जीव संस्थान है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन है, उसका डायग्राम दिया हुआ है। और वो ऐसे ही गंदा वाला डायग्राम बनाता है, साफ वाला डायग्राम नहीं बनाता है। तो साफ बनाता तो सब लोगों को समझ में क्लियरिटी रहती, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा करनी जरूरी है। तो सबसे पहला है ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में, मैं हाइलाइटर यूज करूंगा इसके जगह पे, ध्यान रखना है। सबसे पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा उत्तर प्रदेश का है, मैच द लिस्ट में हमेशा पूछता है दुधवा। तो दुधवा नेशनल पार्क, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ऊपर वाला, लखीमपुर खीरी यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये दोनों जिलों में इसका विस्तार मिलता है। खेरी और बहराइच दोनों जिलों में दुधवा का विस्तार मिलता है और दुधवा भारत उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा में दूसरा कोई नेशनल पार्क, यूपी में दूसरा कोई नेशनल पार्क नहीं है। अब आते हैं दूसरा, बखीरा, इसको दूसरा है बखीरा नेशनल पार्क, दूसरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये संत कबीर नगर में, बखीरा, हाँ यहाँ पे देखो आपको दिखाई पड़ेगा, दो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में, संत कबीर नगर में बखीरा पड़ता है। यहाँ पे मैच द लिस्ट में बता देता हूँ, संत कबीर नगर, कबीर नगर। अब मैंने जो इसको याद किया था, अगर अपना तरीका बताऊं तो कबीर से, कबीर कहते थे कि पाथर पूजन, कुछ ऐसे कहते थे कि हाँ, एक कहते थे कि जैसे अजान के बारे में उनका एक बड़ा ही अजीब सा कमेंट हुआ करता था, बहिरा हो खुदाए, कुछ ऐसे करके वो कहते थे। तो कबीर की बातों से हमेशा बखेरा खड़ा होता था, मतलब कबीर हमेशा ऐसा बोलते थे कि हिंदू भी नाराज और मुसलमान भी नाराज। तो अगर हम कहें कि कबीर जो थे वो बखेरा खड़ा करते थे, बखेरा खड़ा करते थे, तो आपको जो है बखेरा से जो है ये बखेरा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला है चंदौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे है ये चंदौली का जो लोकेशन है, चंदौली का चंद्रप्रभा, ये चंदौली जिला में, यहाँ पे चंदौली जिला है, इस चंदौली जिला में ये तीसरा चंद्रप्रभा अभयारण्य मिलता है, ठीक है। फेमस अभयारण्य है, काशी डिवीजन है, यहाँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट के काशी डिवीजन में है और काशी फॉरेस्ट वगैरह भी है। आते हैं हस्तिनापुर, अब देखो हस्तिनापुर जो है, खास बात ये देखो, हस्तिनापुर का एरिया 2073 किलोमीटर है। हस्तिनापुर जो पूरा पार्ट आता है, ये चौथा का रेंज जो ये दिख रहा है मेरठ वेरठ के आसपास का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो पार्क है। और ये जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा, चार पांच डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ गाजियाबाद तक इसका कुछ सेक्शन जुड़ता है और अमरोहा वगैरह जो है, बिजनौर इधर उसमें भी ये जुड़ता है। तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि मेरठ, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है मेरठ, गाजियाबाद, ये जो बाकी अमरोहा, मुजफ्फरनगर में ये फैला हुआ है, तो चौथा ये हमारा हो जाता है, ठीक है। आगे कैमूर,
कैमूर छोटा सा है, ये ऊपर का यहाँ पे जो सेक्शन बचता है कैमूर का, तो यही कैमूर वाला पार्ट है। आपको मिर्जा सोनभद्र जिले में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है कैमूर वाला। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कतरनिया घाट। और कतरनिया घाट फिर से यहाँ लखीमपुर खीरी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे आपको दिखाई पड़ता है, बहराइच में मिल ली है, बहराइच में है, लखीमपुर खीरी में नहीं आता ये, बहराइच और लखीमपुर खीरी ये बहराइच है। तो कतरनिया घाट यहाँ पे है, कतरनिया घाट बहराइच जिले में। और बहराइच देखो तो सीतापुर यहाँ पे है और लखनऊ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से लखनऊ से अगर हम कहें तो ज्यादा दूर नहीं है ये कतरनिया घाट। कतरनिया घाट भी ध्यान रखना बहराइच में है, ठीक है। उसके बाद लाख बहोसी, और ये सात नंबर वाला जो है आपका किशनपुर, किशनपुर वाला जो सेक्शन है वो लखीमपुर खेरी पीलीभीत और शाहजहांपुर वाले सेक्शन में ये पड़ रहा है। अगला है, इसको ध्यान से यहाँ भी कर लो, और दूसरा अगर किसी ने यूपी का स्पेशल का कोई किताब खरीदा है तो घटना चक्र से भी उसको करो, नहीं हो रहा है घटना चक्र मिल रहा है तो जो बता रहे हैं इसको वीडियो रोक रोक के पाउज करके इसको रटने का कोशिश करो, क्योंकि लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो अच्छे से याद हो जाएगा। कतरनिया घाट, किशनपुर जो था वो ये जो हम लोग अभी किशनपुर के बारे में देखें, तो ये किशनपुर जो था वो आपका इधर क्या नाम था उसका, खेरी वेरी के आसपास दिखाई पड़ता है। अब है लाख बहोसी, लाख बेहोसी नेशनल पार्क आठ नंबर वाला, तो लाख बेहोसी नेशनल पार्क यहाँ पे देखो, यहाँ पे आठ नंबर का लाख बहोसी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई पड़ता है, जो कि फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आठ नंबर का ये सेक्शन है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, लिख देता हूं यहाँ पे फरुखाबाद, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लाख बेहोसी पाया जाता है। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे पाया जाता है, गौतम बुद्ध नगर जो है वो गाजियाबाद को में ही, गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा वगैरह इसी में बना हुआ है, नया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पाया जाता है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ललितपुर के आसपास का जो सेक्शन है यहाँ पे दिखाई पड़ता है, चंबल के आसपास। नवाबगंज जो है वो उन्नाव में दिखाई पड़ता है, उन्नाव में स्थित है नवाबगंज, उन्नाव में दिखाई पड़ेगा, ये उन्नाव इस तरफ है। उसके बाद फटाफट कर लेते हैं ओखला, ओखला भी जो है ये गाजियाबाद बुलंदशहर के आसपास का यहाँ पे दिखाई पड़ता है, गाजियाबाद और बुलंदशहर के बीच में। पार्वती अर्गा ये कई बार पूछा गया है, गोंडा जिले में, गोंडा जिले में जो है आपको पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा आपको गोंडा जिले में दिखाई पड़ता है, गोंडा यहाँ कहीं होगा, गोंडा बस्ती के आसपास, गोंडा यहाँ पे देखो 13 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पार्वती अर्गा, ये गोंडा जिले में पार्वती अर्गा, ध्यान रखना पार्वती अर्गा कहाँ पे, गोंडा जिले में। ये क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन पूछता है। पटना, पटना जो है एटा जिले में है, एटा भी यही कहीं है, पटना एटा जिले में, यहाँ पे देखो एटा जिले में पटना स्थित है, पटना एटा में, ठीक। और इसके बाद ये चार पांच जो है इसको, जैसे टर्टल, टर्टल वाला जो है ये बनारस में है, 23 नंबर वाला बनारस में टर्टल वाला है। सो और समस्तपुर वगैरह, सांडी वगैरह अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है इसको आगे आप लोग घटना चक्र से देख लीजिएगा, ये सारे 24 जो हैं अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक बनता है हमारा, वो बनता है इंटरनेशनल कंजर्वेशन इनिशिएटिव, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उसके संदर्भ में कुछ बातों को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अभी ये लास्ट का टॉपिक अभी कर लेते हैं, इसके बाद फिर से एक घंटे का लाख बेहोशी वगैरह, हाँ सब है वहाँ पे, आप उसका लोकेशन देखोगे मिल जाएगा सर। नेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल कंजर्वेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास हुए हैं, अब उस पर कुछ कंटेंट आगे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रोकूंगा,
और अगला क्लास फिर आपका जो है इंटरनेशनल वाला, यहाँ से और कुछ इसमें अगले क्लास में हम लोग दो तीन चीज़ों को चर्चा करेंगे। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं पर्यावरण संरक्षण के। दूसरा सेक्शन करेंगे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा सा सेक्शन बचा है। और तीसरा इसी सेक्शन में हम लोग करेंगे कुछ पुराने प्रश्न। तो ये तीन सेक्शन जो है, अभी इस क्लास का ब्रेक देने के बाद जो नेक्स्ट आपका 9 से 10 का आज टाइम दिया गया है उस समय फिर से आइए, और फिर नेक्स्ट क्लास 9 से 10 के बीच में फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक घंटे का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे में सब लोग फेड अप भी हो जा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी डाउन हुआ है, ठीक है। चलो इसको हम लोग आज के लिए अभी के लिए रोकते हैं, फिर से दोबारा 9-10 बजे क्लास करेंगे, डेली यही चलेगा। चलो अब इतना पहले इसको, जिनका छूट गया है शुरू वाला वो एक बार देख लेना।